गाइस फाइनली हम लोग हो गए हैं रेडी और हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो वो तो आपको पता ही है, हम लोग जा रहे हैं सागर शादी में। और सागर किसके यहाँ जा रहे हैं वो तो मैं जाके ही बताऊंगी। और ये है दीदी का लुक, दीदी की साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। दीदी दिखाओ जल्दी 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 क्योंकि लेट काफी ज्यादा हो गया है। ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि टाइम से कहीं जाए और पहुंचे, टाइम से जाते पर आज वो भी। वाह वाह वाह, काफी सुंदर लग रही है ये। मेरा भी फाइनल लुक दिखाओ, दिखाना मेरा फाइनल लुक। ये है मेरा फाइनल लुक जो कि मैं भी काफी प्यारी नहीं लग रही हूँ। अभी शाम को दिखाऊंगी, सब लगा दी शाम को तो लगना है बेबी। अभी तो हम लोग जल्दी जल्दी निकलते हैं, जो तो रख लो ले, जुड़ा हम लोग भाभी को यहीं छोड़ के जा रहे हैं। कहाँ है भाभी? बाय बाय, रोना नहीं ठीक है, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। तो अभी चलते हैं हम लोग। तो फाइनली गाइस यहाँ पे बारी आ गई हम लोगों की निकलने की। और यहाँ पे हम सब लोग कार में बैठ गए थे और ना बारिश अभी स्टार्ट हो गई थी तो ये लग रहा था कि पता नहीं शाम को क्या होने वाला है बारिश का। और बारिश का सीजन तो चल ही रहा है तो ऑब्वियसली बारिश तो होनी ही है। और हम लोग देखिए कितने एक्साइटेड हैं शादी में जाने के लिए, क्योंकि ना भैया का नेचर इतना प्यारा है कि भाई हम लोगों से रहा नहीं गया। और हम लोग तो दौड़े दौड़े, मतलब मैं तो स्पेशली ललितपुर से आई हूँ भैया की शादी के लिए। और ये देखिए यहाँ पे दीदी की, मतलब जिया जी की दीदी की बुआ जी को भी जाना था तो यहाँ से हम लोग ने मसूरा से उनकी बुआ जी को लिया और हम लोग निकल गए सागर के लिए। और यहाँ पे ना गाइस इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि पूछो मत। बट मैं तो सारे रास्ते सोती हुई आई हूँ, ये देखिए मेरी आँखें सोती हुई आई हूँ तो कैसी लग रही हूँ। और आगे आकाश सोया पड़ा है। और ये देखिए हम लोगों को बस थोड़ा ही टाइम और लगेगा सागर पहुंचने में और काफ़ी जल्दी हम लोग पहुंच गए थे। अगर बारिश ना होती तो शायद और भी जल्दी पहुंच जाते हम लोग सागर। तो मौसम काफ़ी प्यारा हो गया था क्योंकि बारिश हो गई थी, लेकिन सागर में एंटर होते ही पता चला कि यहाँ पे तो बारिश ही नहीं हो रही है। बट किसको पता था कि बारिश तो अभी होनी बाकी है। और हम लोगों को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ये देखिए सब लोग सो के उठ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हैं हम लोग भैया को दूल्हे राजा बनते हुए देखने के लिए। तो ये चली उनकी बहनें बारात में, मतलब उनकी खुशियों में शामिल होने की। तो यहाँ पे हम लोग एंटर हो गए। और यहाँ पे हम लोग भैया के घर पहुँच गए थे तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे मिला दीदी लोगों से। और ये है हमारे दूल्हे राजा। यहाँ पे हम लोग रेडी होके अच्छे से तैयार होके हम लोग निकल गए थे बारात के लिए। बट जैसा मैंने बोला था कि किसको पता था कि यहाँ भी बारिश हो जाएगी। तो यहाँ पे ना बारात से पहले बारिश हो गई थी और सारे रोड पे ना पानी पानी, तो कपड़ों की तो बुरी हालत हो रखी थी, आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पे हम लोगों ने डांस किया और काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को। हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे कि हम लोगों के कपड़े गंदे हो रहे हैं कुछ भी। हम लोग तो मस्ती करने में मतलब इन्जॉय कर रहे थे फुल। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी हम लोगों की, हम लोगों के कपड़े गंदे हो रहे हो और ना पता नहीं यार, एक अलग ही खुशी थी। बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके और मतलब बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब भैया ने जैसे हम लोगों को ट्रीट किया, अटेंड किया, मतलब खुद दूल्हे राजा बने हुए थे फिर भी ये हम लोगों को इम्पोर्टेंट दी। उनके घर गए, हम लोगों से मिले, सबसे बातें की, वरना इतना अपनी शादी में सब बिजी रहते, इतना टाइम कोई किसी को नहीं दे पाता है कि हर एक पर्सन से मिले। बट तो भैया ने हम सब लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत अच्छे से मिली हम लोगों से।
और यहाँ पे हम लोगों की बारात फाइनली पहुँचने वाली थी और फाइनली भैया पहुँच गए थे भाभी को लेने के लिए। तो यहाँ पे दूल्हे राजा जा रहे हैं अपनी दुल्हन से मिलने के लिए और देखिए सब कितने खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं सब लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मस्ती की और यहाँ पे देखिए दीदी तो दुखने का नाम ही नहीं ले रही हैं, कितना डांस कर रही हैं। बट ना मैं गाउन की वजह से उतना ज़्यादा डांस नहीं कर पा रही थी तो मैंने ज़्यादा डांस नहीं किया, बट बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा था, शादी भी बहुत अच्छी हुई, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। तो और यहाँ पे जिया जी दीदी के ऊपर पैसे उड़ा रहे थे, तो यहाँ पे देखिए आई सी और दीदी का डांस काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा डांस कर रही थी दोनों मिलके। तो इन लोगों ने तो इन दोनों ने तो मिलके मतलब धमाली मचा दिया था यहाँ पे। और फिर बारात के बाद ये देखिए दीदी सबको ले जाके डांस करवा रही थी, तो यहाँ पे सभी ने थोड़ा थोड़ा डांस किया था और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, पूछ ही मत। खाना खाने के बाद यहाँ पे हम लोग आए थे भाभी जी से मिलने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी और बहुत मतलब बहुत सुंदर लग रही थी। और फिर वहाँ यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे स्टेज के पास, क्योंकि ना जयमाला का टाइम हो रहा था। और यहाँ पे हमारे दूल्हे राजा देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। और ये हम और दीदी बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं दुल्हन का आने का। तो दुल्हन की एंट्री भी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि दुल्हन की एंट्री कैसे हुई थी। तो अभी तो उनके भाई लेके आ रहे हैं उनको, अभी मैं दिखाती हूँ कि कैसे उनकी एंट्री हुई थी और कैसे क्या क्या हुआ था। तो बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पे भाभी ने भैया को जयमाला पहनाई और देखिए उन्होंने पैर भी छुए भैया के, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, भैया के पैर छुए अच्छे से, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये सीन। और फिर बारी थी भैया की जयमाला पहनाने की, तो काफ़ी प्यारी मतलब बहुत अच्छे से शादी की उन लोगों ने और काफ़ी अच्छी शादी हुई है हम लोगों को, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो शादी और ना यहाँ पे ना मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, पूछ ही मत, ऐसा लग रहा था कि हम लोग
खुद अपने घर पे हूँ। मतलब ऐसा हम लोगों को ट्रीट किया गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था, अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि ना फर्स्ट टाइम किसी के यहाँ जाओ तो लगता है, बट हम लोग तो एक बार और हो के आए हैं इनके यहाँ, लेकिन फिर भी शादियों में जाओ तो इतना कोई किसी को टाइम नहीं दे पाता है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी से शादी हुई, फिर जयमाला के बाद हम लोगों की बारी आ गई थी घर निकलने की, क्योंकि हम लोगों को वापस भी लौट के जाना था। तो ये देखिए हम सब लोग निकल गए थे अपने घर के लिए, और हालत काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी यहाँ पे हम लोगों की, क्योंकि ना इतनी हैवी हैवी ड्रेसेस पहन के ना बैठना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट फिर भी पहन के निकल गए थे हम लोग। क्या ही करते, चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला कि चेंज करते, और फिर उसके बाद घर निकलते तो हम लोग घर पहुंच गए थे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं उठ गई हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है तो हम लोग 3 बजे शादी से लौट के आ गए थे। तो अभी हम लोग का मतलब मैं काफ़ी देर पहले उठ गई थी, दीदी अभी उठी हैं सो के, और ये देखिए हम लोगों का सामान रखा हुआ है, मतलब ड्रेस देखिए आप, ड्रेस की हालत कैसी हो रखी है, क्योंकि ना बारिश हुई थी। और ये दीदी की साड़ी रखी हुई है, सारे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। और ये देखिए मुझे भी साड़ी मिली है और दीदी को भी साड़ी मिली है, देखिए ये है दीदी, अच्छी है साड़ी मस्त। और ये यहाँ पे भाभी खाना बना रही हैं, बाय। और ना यहाँ पे देखिए हम लोग ललितपुर के लिए निकल गए थे, लेकिन रास्ते में देखिए कितनी बारिश हो रही है यार, बारिश का तो कुछ पूछो ही मत, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जो कि आपको इतना दिख नहीं रहा है, बट ना सामने से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि सामने से कुछ दिख भी नहीं रहा था, आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। तो मैंने जितना सूट कर पाया मैंने किया, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो बाय बाय गाइस, इस ब्लॉग को करती हूँ यही एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। होप करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो।